हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हुलुलू, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमेकर। दोस्तों, ये एक नया साइट में मैं आया हूँ और यहाँ पर हमको ज़्यादातर केबल लैडर का काम मिला है। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बैंड बनाया है और ये एक रेडीमेड बैंड है जो कि मैं थोड़ा बैक कैमरा कर देता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैं ये खुद हाथों से बनाया है और ये वाला रेडीमेड जो कि हमारा फैक्ट्री से बन के आया है। ओके, तो ये लास्ट मोमेंट में आ रहा है हमारा। ऑलरेडी ये 150 का जो काम कर रहा था उसका काम ऑलरेडी खलास हो चुका है और एक ही बैंड में हम लगाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते, कंपेयर थोड़ा कर लेते हैं। रेडीमेड बैंड में ये वाला जो हिस्सा है वो सिंपल कर दिया है। यहाँ पर एक जॉइंट प्लेट डाल दिया है। ओके, कपलर डाल दिया है और हमने उसको कुछ अच्छा फिनिशिंग दिया है। ओके, और यहाँ पर अभी इसको जॉइंट करने के लिए हमको जॉइंट कपलर 4 चाहिए, लेकिन मैं जो बनाया है इसमें अभी एक ही जॉइंट प्लेट लगा है। ओके, बाकी वेल्डिंग किया है 3 इसका जो रनर आता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी सेम है, जैसे कि ये 140 mm के आसपास है, 40 mm से थोड़ा ज़्यादा है। ये भी हमने वही 140 mm लिया है। ओके, और ये बैंड जो बनाया मैं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सेंटर रख दिया। सेंटर के बाद ये साइड 25 mm और ये साइड 25 mm लिया, क्योंकि ये जो रिब होता है ये 25 mm का होता है, ऐसा चौड़ा। ओके, ये 25 mm का है। तो इसको 50 mm करके मैं कट कर दिया तो हो गया। और ये वाला जो है कि 11 mm करके लिया, ए साइड को 11, ए साइड को 11, मतलब 22 mm, ये भी 22 mm करके लिया। और ये 60 mm रखा इसमें जॉइंट प्लेट डालने के लिए। हमारा ये 150 का ट्रे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैं, 150 प्लस 100 mm, तो देख सकते हैं यहाँ पर 250 हो जाता है हमारा ये वाला पीस। ओके, 250, और यहाँ 60 mm हम रखा, वही हिसाब से इसको भी माइनस करके कटिंग कर दिया था जो कि डायरेक्ट जॉइंट प्लेट लगाया। ओके, और ये वाला कुछ स्पेशल चीज़ बनाता है जो कि ये हर चीज़ स्पेशल होता है। ये वाला रनर उसके जैसा है, बाकी सभी ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये भी स्पेशल है, उसी के लिए भी पंचिंग बनाता है, मतलब होल फोल करता है। केबल के पार